हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी टू शेयर विथ यू गाइज माई न्यू ईयर बजट गोल्स एंड माई बजट प्लानिंग। मैंने कैश स्टफिंग ये मंथ की ऑलरेडी आपको बता दी है, बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ माई बजट गोल्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ दिस इज वेरी ओवरव्यू, थोड़ा सा बेसिक टाइप है। इन डेप्थ अगर आपको चाहिए तो लेट मी नो, बट मैं आपके साथ सब शेयर करूंगी कि ये साल मैं कैसे बजटिंग कर रही हूँ, क्या क्या मेरी गोल्स है, अफर्मेशंस है। एंड अब से ऑफ कोर्स मैं थोड़ा बहुत हिंदी भी बोलूंगी, बिकॉज मोस्टली एवरीबडी वॉन्ट्स टू यू नो मेक लाइक वीडियोज इन हिंदी, सो दैट विल बी ईजियर फॉर एवरी वन टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में इतनी अच्छी नहीं हूँ, बट ठीक है, चल जाएगा। सो दिस इज द नोटबुक दैट आई एम यूजिंग, इट्स अ वेरी नाइस वन। इसके जो ये बाइंडर रिंग्स है ना, बहुत ही अच्छे है। इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। नवनीत का है ये। सो दिस इज द नवनीत ईज एच क्यू नोटबुक, बहुत ही अच्छा है। एंड आई वेंट फॉर दिस वाइट कलर वन। साथ में मैं अलग अलग पेन्स यूज करती रहती हूँ, उसका कुछ ऐसा फिक्स्ड नहीं है। सो दिस नोटबुक द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पे ना आपको एक पॉकेट भी मिल जाता है ट्रांसपेरेंट। सो अगर मुझे कुछ मेरे बजट सेविंग चैलेंजेस वगैरह रखने हैं इसके अंदर, तो मैं रख सकती हूँ। और साथ में इसके साथ साथ ये एक उनका गाइड भी आता है कि हम कैसे ये रीयूज कर सकते हैं, इसके अंदर पेपर्स वगैरह डाल सकते हैं। और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी और थिक है। So I have made it more personalized to myself and I want to keep the numbers to myself, like the actual numbers, like how much do I earn and how I'm allocating. But of course, ऊपर का जो overview है वो मैं आपको दिखाऊंगी, because every month मैं budgeting करती हूँ। So first हम start करते हैं मेरे financial goals of 2023 से, जिसको मैंने ऐसे divide करके रखा है। आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स कर सकते हैं। नाउ एक और चीज़ मुझे बतानी है कि आपको ना हमेशा 1st of January से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट इट एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, एनी टाइम ऑफ द मंथ। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट, बिकॉज बजटिंग ना काफ़ी बेसिक सी चीज़ है जो सबको करनी चाहिए, और हम करते भी आए। इट्स जस्ट दैट वी हैव नॉट कैटेगराइज्ड इट और वी हैव नॉट मेड इट इन सो मच ऑफ डेप्थ। और काफ़ी टैबू भी होता है, लॉट ऑफ पीपल डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज देयर बजटिंग वेज, और लॉट ऑफ पीपल डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट कि हाँ मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ। सो आपको करना ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। सो दीज आर माई फाइनेंशियल गोल्स ऑफ 2023 विच आई एम ओपनली शेयरिंग विथ यू ऑल। सो मेरी टोटल सेविंग्स जो मुझे ये ईयर के एंड में करने हैं, वो है 2,50,000 रुपीज, एंड दिस इज एक्सक्लूडिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो मैंने टारगेट सेविंग्स भी रखे हैं, उसके साथ साथ टोटल सेविंग्स भी रखे हैं। तो मेरा है टारगेट कि ये ईयर एंड होते तक मुझे 2,50,000 रुपीज जमा करने हैं। उस हिसाब से आप भी कर सकते हो, आपका 10,000 हो सकता है, 50,000 या फिर 10 lakhs भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू आर अर्निंग, व्हाट इज योर एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। फिर आता है मेरी टारगेट सेविंग्स जो मुझे ये साल एड ऑन करने हैं। सबसे पहले मेरा इमरजेंसी फंड। सो ऑलरेडी मैं कुछ अमाउंट से स्टार्ट कर रही हूँ, उस अमाउंट के ऊपर मुझे और 50,000 कलेक्ट करने हैं, सेव करने हैं इमरजेंसी फंड में। काफ़ी लोगों को इमरजेंसी फंड के क्वेश्चंस है कि क्या होता है, कैसे करना है, फिर इमरजेंसी फंड जमा हो गया तो उसका क्या करना है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो इन माय इमरजेंसी फंड 2023 के एंड में मुझे 50,000 कलेक्ट करने हैं। बर्थडे फंड्स में 30,000 एंड वेकेशन और ट्रिप में 50,000 करना है। सो ये एक अलॉटमेंट है। अभी ये तो मेरा सेविंग्स हो गया। बर्थडे फंड्स मैं स्पेंड करूंगी, तो अब ये जो बर्थडे फंड्स है वो मैं जमा करके स्पेंड करने वाली हूँ, खर्च करने वाली हूँ। तो मतलब ये टेक्निकली सेविंग नहीं हो गया, एक सॉर्ट ऑफ अ टारगेट हो गया। वेकेशन और ट्रिप के लिए 50,000, अभी ये भी मैं सेव करूंगी और फिर स्पेंड कर लूंगी, तो ये भी टेक्निकली सेविंग नहीं हुआ। पर इन तीनों में से सिर्फ यही एक लॉन्ग टर्म सेविंग हुआ, बाकी ये शॉर्ट टर्म है क्योंकि ये खर्च हो जाएंगे। नेक्स्ट इज 100 एनवेलप सेविंग चैलेंज वर्थ 25,000। सो ये एक नया सेविंग चैलेंज मुझे करना है, कैश सेविंग चैलेंज होगा, जो मैं 100 एनवेलप्स में डिवाइड करूंगी और उसका अमाउंट वर्थ होगा 25,000। सो वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। और फिर ये है इनकम गोल्स। सो बेसिकली मेरे इनकम में मुझे क्या क्या टारगेट्स अचीव करने हैं। सो आई वांट टू 40-50% ऑफ इंक्रीमेंट, और ये मेरे सारे इनकम सोर्सेज में दिखने चाहिए। जैसे मेरी मंथली सैलरी है, उसमें मुझे 40-50% का हाइक चाहिए। फिर यूट्यूब पे आउट जो मंथ का रहता है, उसमें आई वॉन्ट अ 40-50% इंक्रीमेंट। एंड देन मंथली स्टोर इनकम जो मैं करती हूँ लाइक अ साइड हासिल, उसमें मुझे 40-50% इंक्रीमेंट चाहिए। नाउ टू अचीव दिस, ऑफकोर्स मुझे हर एक मंथ मेहनत करनी पड़ेगी, एंड देन समटाइम्स आई माइट गेट 1% इंक्रीमेंट, समटाइम्स आई माइट गेट 20% इंक्रीमेंट, वो डिपेंड करता है। प्लस मेरे जो चैनल्स है यूट्यूब पे, वो सारे मोनेटाइज नहीं है,
सो इस हिसाब से इफ आई गेट माई चैनल मोनेटाइज तो वो मेरे लिए एक इंक्रीमेंट ही हो गया 40-50% का. सो उस हिसाब से आप आपके इनकम गोल सेट कर सकते हो कि या तो आपको एक साइड इनकम जनरेट करना है या तो आपकी जो ऑनगोइंग सैलरी है उसको बढ़ाना है या फिर जॉब चेंज करके एक अच्छी हाइक चाहिए, रिविजन चाहिए, तो वो कर सकते हो. एंड लास्टली है कि मुझे हर एक महीने में कम से कम 10 नो स्पेंड डेज चाहिए. सो नो स्पेंड डेज क्या होते हैं कि उस दिन आपने एक रुपये भी स्पेंड नहीं किए, वो चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपने खर्च ही नहीं किया. सो पूरे दिन में अगर 30 डेज भी हम एवरेज पकड़ते हैं तो आई थिंक 10 नो स्पेंड डेज होने चाहिए मेरे हिसाब से. अचीवेबल है बट लेट्स सी कैसे होता है. सो आई वॉन्ट दिस 10 नो स्पेंड डेज इन द एंटायर मंथ. ये है मेरे फाइनेंशियल गोल्स फॉर 2023. नाउ इसमें एक और चीज है, अगर मैं इनमें से कोई भी गोल अचीव कर लेती हूँ तो जब तक ये साल पूरा नहीं होता तब तक मैं एक और गोल सेट करूंगी ताकि जो मेरा स्पेस है, मेरा जो ग्राफ है वो कांस्टेंट रहे. ऐसा नहीं है कि मैंने गोल अचीव कर दिया फिर एकदम ही ब्लैंक हो गया. तो उस वजह से आई एम गोइंग टू सेट द गोल्स अकॉर्डिंगली व्हेन आई अचीव इट. ये मेरे फिलहाल के गोल्स हैं. जो नेक्स्ट आता है ये है अफर्मेशंस ऑफ द ईयर. सो बेसिकली अफर्मेशंस एक पॉजिटिव सेइंग रहते हैं जो आप बार बार लिख सकते हो, पढ़ सकते हो आपके हिसाब से. मैंने कुछ अफर्मेशंस लिखे हैं, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप पिंटरेस्ट पे भी देख सकते हो कैसे कैसे अलग अलग गोल्स रहते हैं, अफर्मेशंस रहते हैं. आई थिंक ये काफ़ी पॉजिटिव रहता है, आपको मोटिवेशन देता है. सो मैंने ये 2023 के लिए इतने अफर्मेशंस लिखे हैं. फिर आता है स्टार्टिंग बैलेंस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप कोई भी सेविंग्स कर रहे हो आपको बताना होना चाहिए कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया है और कब तक आप उसे कंटिन्यू कर रहे हो एंड व्हेन आर यू अचीविंग योर टारगेट. सो बेसिकली यू शुड नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. दैट्स व्हाई द 2023 स्टार्टिंग बैलेंस शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले मेरे जो बैंक अकाउंट है उनका नाम लिस्ट कर दिया है और फिर यहाँ पे मैं डालूंगी कि बैंक अकाउंट जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है या फिर जिस दिन से आप बजटिंग स्टार्ट कर रहे हो उस दिन आपके बैंक अकाउंट में कितनी कितनी बैलेंस थी, कैश कितना पड़ा है आपके पास. सो ये स्टार्टिंग बैलेंस आपके लिए अच्छा ओवरव्यू रहेगा. फिर आता है करंट इनकम. अभी जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हो बजटिंग उस दिन आपकी उस दिन या फिर उस टाइम पे आपकी सैलरी कितनी है, अगर आपका कोई साइड इनकम है तो उसका एवरेज रेवेन्यू या फिर एवरेज प्रॉफिट जो मिलता है वो कितना है. तो उस हिसाब से मैंने करंट इनकम लिया है. और करंट इन्वेस्टमेंट, सो आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या फिर कॉन्स्टेंट इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या फिर आपका कोई फ्लैट का है, EMI है, जो कुछ भी है वो यहाँ पे आ जाएगा. सो यहाँ पे जैसे मेरे LIC पॉलिसी है, म्यूचुअल फंड है, क्रिप्टो करेंसी में मेरे कुछ पैसे है. सो ये सब कुछ मैं यहाँ पे लिखूंगी सो दैट आई नो कि मैं जिस टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ उस टाइम पे हाउ मच मनी डू आई हैव, जैसे वो लिक्विड मनी हो या कुछ भी हो वो कितना है, एसेट्स हो, अगर आपका कहीं पे इन्वेस्टमेंट है, कोई घर है तो वो भी आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स या एसेट्स में आ जाएगा. फिर इसके बाद आता है आपका जनवरी बजट. सो अगर आप फेब से स्टार्ट कर रहे हो तो फेब से जब कभी आप स्टार्ट कर रहे हो वो मंथ का बजट आएगा. स्टार्टिंग बैलेंस वो मंथ में क्या है, ये बेसिकली स्टार्टिंग बैलेंस क्या होता है, आपके जितने भी अकाउंट्स में पैसे हैं, जितने भी कैश पड़े हैं वो सबको सम अप करके आपका स्टार्टिंग बैलेंस होगा और फिर मंथ के एंड में आप सब सम अप करके क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे. इससे आपको पता चलेगा कि क्या आपने एक्चुअली कुछ सेव किया है या फिर सपोज स्टार्टिंग बैलेंस आपका 10,000 था और क्लोजिंग 9,000 है तो मतलब आप तो लॉस में जा रहे हो. सो इस हिसाब से यू विल नो कि हाउ टू स्ट्रेटेजाइज एंड बजट फॉर द नेक्स्ट मंथ. इसलिए स्टार्टिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इज द फर्स्ट थिंग. क्लोजिंग आप मंथ के एंड में फिल करोगे एंड स्टार्टिंग ऑफकोर्स स्टार्ट में. अब आता है जनवरी बजट गोल्स. बेसिकली आपको ये मंथ में कौन से गोल्स अचीव करने हैं. सो मैं यहाँ पे अपने 3 गोल्स डाल दूंगी और फिर अफर्मेशन ऑफ द मंथ ये आपके हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो. देन कम्स योर एक्सपेक्टेड इनकम एंड रिसीव्ड इनकम. सो आपको अप्रॉक्स लेना है आपकी जो फिक्स्ड इनकम है उसको गिन के और या फिर कोई वेरिएबल इनकम है जैसे आपका कोई साइड हसल है, स्टोर है, तो वो सब मिला के आपको कितना एक्सपेक्ट हो रहा है कि ये मंथ आपको कितना आएगा और फिर कितना रिसीव हुआ है उस हिसाब से आप कर सकते हो. एंड देन यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है बट यू कैन ऐड ऑन योर क्रेडिट कार्ड बिल्स जो मैं मंथ एंड में ऑफकोर्स आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे बजट किया है. आप आपके क्रेडिट कार्ड बिल्स ऐड कर सकते हो क्योंकि मैं अपना जो बजटिंग है वो ऑलमोस्ट यू कैन से 30-70 करती हूँ. 30% कैश, 70% ऑनलाइन एंड क्रेडिट कार्ड. सो उस हिसाब से मैं करती हूँ इसलिए मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी ऐड करूंगी. अगर आप फुल कैश करते हो देन ऑफकोर्स आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन ऐड करने की. इसके बाद आता है आपका बजट अलॉटमेंट. इसका मैंने ऑलरेडी कर दिया है कैश स्टफिंग इसलिए मैंने ये बना के रखा है.
सो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ, ये जो बजट अलॉटमेंट है ये सिर्फ कैश के लिए है, बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने वो कैश विड्रॉ किया है, कितना कैश विड्रॉ किया है, कितने कितने एक्सपेंसेस के लिए कितना अमाउंट मैंने डाला है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। ये जो ग्रीन में है वो मेरे सिंकिंग फंड्स है। सिंकिंग फंड्स बेसिकली लाइक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सेविंग्स है जो हम लिक्विड में लाइक कैश में करते हैं। एंड देन दीज थ्री थिंग्स आर बेसिकली जो एवरी डे एक्सपेंसेस है, पेट्रोल, ईट आउट, मिसलेनियस, उस हिसाब से। नाउ बिकॉज आई स्टे विथ माई पेरेंट्स, मुझे ना ही लाइट बिल, ना ही रेंट, ये सब कुछ भरने की जरूरत नहीं है, ग्रोसरीज देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए आई एम एबल टू सेव अ लिटिल एक्स्ट्रा। बट अगर आप एक इंडिविजुअल है, हाउस वाइफ है, रेंट पे रहते हैं या फिर ई एम आई है, उस हिसाब से आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएगी, ग्रोसरी, फूड आउट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो आ जाएगा। और ये इमरजेंसी फंड या सिंकिंग फंड जो कुछ भी बोलते हैं वो लॉन्ग टर्म सेविंग्स या फिर एडिशनल सेविंग्स बोल सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, अभी मैंने पेट्रोल के लिए 500 दिए है, मंथ एंड में मैं चेक करूंगी मैंने कितने स्पेंड किए और फिर वो अमाउंट यहाँ पे लिख दूंगी, इसलिए मैंने ये खाली छोड़ा है। अभी इमरजेंसी फंड मैं बजटिंग का वीडियो नीचे डाल दूंगी, कैश स्टफिंग का। सो बेसिकली मैंने 2500 डाले है, पहले से ही ऑलरेडी मेरे पास 22500 थे, इसलिए 2500 ऐड करने के बाद टोटल मेरे पास 25000 है इमरजेंसी फंड के लिए। उसी हिसाब से हर चीज का अलग अलग है। सो ये हो जाता है मेरा बजटिंग और फाइनेंशियल गोल्स मैं कैसे करने वाली हूँ ये साल के लिए। नाउ इसमें क्या होगा, वंस एंड व्हेन आई कंप्लीट द मंथ, मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगी मेरे केस में कितने एडिशनल एक्सपेंसेस हुए, क्रेडिट कार्ड का बिल कितना है एंड ऑल ऑफ दैट। नाउ ऑफकोर्स इतने से जो मैंने बजट किया है उतने इसमें किसी की भी लाइफ नहीं चलती है, एंड ऑफकोर्स माई सैलरी इज नॉट 10,000। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपको, I do a 70:30 ratio of budgeting. Basically, 70% of my expenses are done online, or you can say 70% of my income is kept online, and 30% मैं cash में जाके allocate करती हूँ. So that उस हिसाब से of course जो मेरे goals है, ये जो मेरे goals है उसको मैं easily achieve कर पाऊंगी. So that shouldn't be an issue for me. बट अगर आप इसके लिए भी, मैं एक अलग से हाउ टू कैश स्टफ और हाउ टू बजट का वीडियो डालने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो और कौन से कैटेगरी में आपको फुली कैश स्टफिंग या कैश बजटिंग करना चाहिए, और कौन से कैटेगरी को यू नो 50-50 करना चाहिए, 50% ऑनलाइन, 50% कैश, एंड देन कौन से कैटेगरी को 70-30 करना चाहिए कि 70% ऑनलाइन और 30% कैश। नाउ इन सब में से भी एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आता है आपके इन्वेस्टमेंट्स। आई फील आपकी इनकम कितनी भी हो, 5 हो, 10,000 हो या फिर 5 lakh हो, कुछ भी हो, यू ऑलवेज शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट केप्ट ऑन रनिंग। ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट फंड्स, ये सब में ऐड हो जाता है। मैंने यहाँ पे फिलहाल तीन चीज है, आई विल इंक्रीज इट, एक्चुअली आप इनका अमाउंट भी इंक्रीज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। सो गाइज, दिस वॉज माई फाइनेंशियल गोल इन बजटिंग फॉर द ईयर 2023। अब आप सब्सक्राइब कर दो मेरी चैनल को, ताकि हर महीने जब मैं अपने बजटिंग गोल्स अपडेट करती रहूं, मेरे जो एक्सपेंसेस है वो अपडेट करती रहूं, आपको पता चले, एंड देन वी कैन टुगेदर बजट एंड यू नो गो हैड विद आर योर एंड बी मोर फाइनेंशियली स्टेबल। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कॉमेंट्स में मुझे बताना आपको बजटिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड और ऐसे कौन से अलग अलग वीडियोज देखने हैं। आई वुड लव टू मेक देम फॉर यू ऑल। मेक श्योर यू गिव दिस वीडियो थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।